अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से सब ठीक ठाक हैं? आज है संडे और आज संडे वाले दिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आउटिंग पे ना जाऊं। वैसे तो मैं आउटिंग पे जाता रहता हूं, लेकिन आज संडे है तो आज मैं सोचा हूं कि आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाऊँ। आप लोगों को याद होगा कि एक दफ़ा मैं PAF म्यूज़ियम गया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। तो आज मैं सोचा हूं कि आज मैं जाऊं मैरीटाइम म्यूज़ियम और वहां जाके आप लोगों को दिखाऊं कि क्या होता है, कैसे होता है और वहां पे क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं। और उसके अलावा फिर भूख लगे तो उसके बाद खाने के लिए भी कहीं ना कहीं मैं जाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। अब खाने का मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा बंस रोड और बंस रोड पर जाके देखूंगा कि क्या खाने की कोई अच्छी चीज़, फेमस चीज़ है जो मैं, जिसके बारे में आप लोगों को रिव्यूज़ अच्छे दे सकता हूँ, आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा बंस रोड, वहाँ जाके कुछ खाऊँगा पीऊँगा, उससे पहले हम जाएंगे मैरीटाइम। चलिए गाइस चलते हैं और आपको चलकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग जो हैं वो आ चुके हैं मैरीटाइम म्यूज़ियम में। पहले हम गए थे PAF म्यूज़ियम, फैमिली के साथ ही गए थे, और माशाल्लाह अब हम जो हैं वो मैरीटाइम म्यूज़ियम आए हैं। पूरी फैमिली आई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम पहुँचे हैं, अम्मी पापा और सलवा सब वो लोग वहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मसले की बात मेरे लिए है कि मैं जब भी मैं आउटिंग पर जाता हूँ, कहीं ना कहीं जाता हूँ, तो मैं पहुँचता लेट ही हूँ। तब भी मैं मगरब में पहुँचा था PAF म्यूज़ियम, अभी भी मगरब में ही मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे मैरीटाइम म्यूज़ियम। तो चलो, खैर नसीब में ही नहीं मेरे दिन में आके निकलना। तो खैर अभी हम आ गए हैं तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं, आपको थोड़ी जगह दिखा देते हैं। लोगों को यहाँ के जो बड़े बड़े प्लेन्स हैं या पानी के जो जहाज़ हैं, वो तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दी हैं। इतना बड़ा कोई खासियत है तो नहीं कि इसे घुमाने में बहुत ज़्यादा देर और बहुत ज़्यादा घंटे में लगेंगे। तो अच्छा खासा मैंने आप लोगों को सर्वे करवा दिया है म्यूज़ियम का। अब बस झूलों की जगह रह गई, झूलों की साइड जब वो झूलने के लिए जाएंगे तो वो भी दिखा देंगे। बाकी जो हमने आपको जहाज़ दिखाए और बहुत सारे प्लेन्स दिखाए, पानी के जहाज़ दिखाए, जगह दिखाई, उन जगहों पर एक एक करके जाएंगे। और अभी एक टावर भी दिखाया मैंने, वो टावर पर भी जाएंगे। जैन और सलवा मेरे साथ हैं, हम लोग सब एक एक साथ एक एक जगह पर जाएंगे और आप लोगों को जगहें दिखाएंगे। तो चले गाइस चलकर देखते हैं। जैन और ये जानी सलवा और ये रम है, हम लोग जाएंगे इस टावर पर, ऊपर जाएंगे इस टावर पर हम लोग। चले गाइस चलते हैं। पहले आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग कितनी हाइट पर आ चुके हैं, ये हम टावर पर खड़े हुए हैं, कितना ऊपर हम लोग आ चुके हैं आप लोग देख सकते हैं। देखें भाई, पीछे का नज़ारा देखें हम लोग, ये हाइट है हमारी इस टाइम पे, इस हाइट पे हम लोग खड़े हुए हैं, बस उतर रहे हैं। कम से कम ये छः मंजिला तो कम से कम होगी है। तो यहाँ से हम वापस उतर रहे हैं और जगहों पे जाने के लिए, इतनी देर में हम चढ़े, इतनी देर में उतर, और फाइनली अब हम नीचे पहुँच चुके हैं। और ये हमें वहाँ जाना है, वहाँ पर जाना है हमें ऊपर। चलिए गाइस ऊपर चलते हैं और चलकर देखते हैं। इस जहाज़ पर भी जो है वो चढ़ चुके हैं, इसकी हाल से कम नहीं लग रही। हाँ बिल्कुल, डब्ल्यू गैर से कम बिल्कुल नहीं लग रही, ये देख सकते हैं हम लोग इसके पीछे का हाल, मतलब आवाम चढ़ी हुई है बस। हाँ, डब्ल्यू गैर समझा हुआ जहाज़ को, मैंने इतना ज़्यादा रश यहाँ पर हुआ हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जहाज़ पे आ चुके हैं नेवी के, अब अंदर जाके देखेंगे अंदर का क्या सीन है। यहाँ पे टिकट वगैरह लगे हुए हैं, ये सारी व्यू है, और यहाँ हम जा रहे हैं अंदर, अंदर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये रही गाइस जगह बैठने की जगह, ये सारी सीट्स लगी हैं, एकदम सीधा जाते हैं अंदर। यहाँ से प्लेन को ऑपरेट किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं सारी मशीन वगैरह रखी हुई हैं, पूरा इंजन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से ऑपरेट होता है। और ये यहाँ का व्यू है, हम कराची पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी जगह पे जाकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है देखकर के यार हमारी नेवी ने, आर्मी ने हमारे लिए क्या क्या किया है, जो बात हकीकत है। तो उनके जहाज़ वगैरह देख के घूमें और बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है अपनी पाकिस्तानी आर्मी पर, पाकिस्तानी नेवी पर,
फौज पर हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा हमें फ़ख्र होता है इस तरह की चीज़ देख के कि यार किस तरीके से इन लोगों ने इस तरह के प्लेन बनाए और उनके अंदर का जाके जब हम देखते हैं तो और ज़्यादा हम जो है वो उससे बहुत स्ट्रगल है जो बात हकीकत है, तो देख के जो है बहुत ज़्यादा हैरत ज़्यादा हो जाते हैं हम लोग। जा रहे हैं हम सीधा सलंग अंदर और अंदर चल के अब आपको हम दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। मैंने आप लोगों को पूरा मैरीटाइम म्यूज़ियम घुमवा दिया, एक एक चीज़ ये पीछे जितनी है एक एक चीज़ें सारी मैंने आप लोगों को दिखा दी सिर्फ एक चीज़ के अलावा, और वो हैं यहाँ के झूले राइड्स वगैरह, तो वो मैंने नहीं घुमवाए। तो चल के देखते हैं आप लोगों को, ज़रा झूले वूले झूलते हैं क्योंकि आखिरी चीज़ रहेगी, उसके बाद हमने बस यहाँ से निकलना है क्योंकि हर जहाज हमने देख लिया, अब झूले झूलने हैं यहाँ पर खा पी के घूम फिर के हमने सब कुछ देख चुके हैं, पर अभी राइड्स लेते हैं लास्ट। और ये व्हील वाले का टिकट ले लिया है सलवा की खास फरमाइश पे, इन दो के फिलहाल हमने टिकट ले लिए हैं, अब हम इस पे बैठेंगे। पहली राइड तो हमारी है तैयार, तो उसमें हम लोग चलते हैं और चलकर बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। मैंने देख तो लिया था कि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है ये, अब अपनी क्या हालत होती है वो भी देख लेते हैं चलकर। सलवा बैठ रही हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे बीच में बैठ जाना चाहिए, मुझे डर बहुत लगता है किसी कोने पर मैं बैठ नहीं सकता हूँ, तो सेंटर में ही बैठ जाता हूँ। बीच में बैठ जाएँ क्या करें, कोने बैठते दिमाग ख़राब है तुम्हारा, बहुत तेज़ हो जाता है ये, मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, सच्ची सी बात है, मैं बीच में ही बैठूंगा, इन लोगों की चाहे जो मर्जी करेंगे। मैं ना मेरा आपका ख्याल तो मैं ही रखूंगा और आपका भी मैं ही रखूंगा, मेरी जान तुम दोनों का मैं ही रखूंगा, तो हम लोग इधर ही बैठ जाते हैं। गाइस बहुत तेज चल रहा था, हम डर गए थे, हालत खराब हो गई इन दोनों की भाई, बहुत मजा आया लेकिन अभी इनका शौक पूरा नहीं हुआ है, अभी इन्होंने व्हील में भी बैठना है और हम अभी व्हील में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो चलते हैं चले गाइस और इसकी भी राइड लेते हैं। सच कहूँ तो मेरी भी हिम्मत नहीं थी शिप के बाद इधर बैठने की, ना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब जो है मैंने कहा ले लिया टिकट तो वसूल कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये बस लास्ट राइड है, उसके बाद मेरी कहीं भी बैठने की हिम्मत नहीं है क्योंकि तबीयत लग रहा है ख़राब हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, ऐसी हालत थी बहुत ज़्यादा तेज़ था सीरियसली गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कितना तेज़ चल जाता है ये शिप, तो अभी ये लास्ट राइड है उसके बाद फिर बस ख़त्म है और कुछ और कोई और राइड नहीं है। एंड ये व्हील है और उसमें हम बैठ चुके हैं, ये रही सलवा, ये रहे जैन और ये राम है, और ये चल रहे बाकी सारे झूले, झूले हम बैठ चुके हैं, ये यहाँ का व्यू है, हमारी तबीयत ख़राब है और इनकी तबीयत ख़राब होने वाली है अल्लाह ना करे, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है का मज़ा, ऊपर जा रहे हैं हम, आप लोग देख सकते हैं, ये हाथ हिला रहे हैं जैन और सलवा, तो ऐसे हाथ हिला रहे हैं मेरे बाबा को जैसे उन्हें सच में दिख जाएगा, शायद दिखे वो बैठे हुए मम्मी पापा, वो बैठे हुए, वो बैठे हुए, आपको मजा नहीं आएंगे, तो इसकी व्हील की राइड भी ख़त्म हो चुकी है, बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा हम लोगों ने,
दोनों राइड्स को और बहुत ज़्यादा तफरी करी। देखें सब जा रहे हैं, अम्मी पापा जैन सलवा परवा सब जा रहे हैं और मैं ये रहा पीछे इनके। मैं भी सामान पकड़वाऊँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो चलेगा यहाँ से निकलते हैं, बंदों ने कहा वैसे टाइम हो गया है, तो यहाँ से चलकर फिर आगे देखते हैं क्या करना है।